यदि कॉस थीटा धन साइन थीटा बराबर वर्गमूल 2 कॉस थीटा हो तो सिद्ध कीजिए कि कॉस थीटा ऋण साइन थीटा बराबर वर्गमूल 2 साइन थीटा। हल दिया है कॉस थीटा धन साइन थीटा बराबर वर्गमूल 2 कॉस थीटा। कॉस थीटा का पक्षांतर हम करेंगे तो हमें प्राप्त होगा साइन थीटा बराबर वर्गमूल 2 कॉस थीटा, और कॉस थीटा का पक्षांतर करेंगे तो ऋण कॉस थीटा या साइन थीटा बराबर, दोनों पदों से कॉस थीटा को उभयनिष्ठ निकाल लेंगे तो कॉस थीटा कोष्टक में वर्गमूल 2 ऋण 1, या हम इसे कोष्टक के अंदर वर्गमूल 2 ऋण 1 का पक्षांतर करेंगे तो हमें प्राप्त होगा साइन थीटा बटा वर्गमूल 2 ऋण 1 बराबर कॉस थीटा, या हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर साइन थीटा बटा वर्गमूल 2 ऋण 1। अब हमारे पास हर में वर्गमूल 2 ऋण 1 है, इसका हम परिमेयकरण करेंगे तो वर्गमूल 2 ऋण 1 का परिमेयकरण करने के लिए हम इसको वर्गमूल 2 धन 1 बटा वर्गमूल 2 धन 1 से गुणा करेंगे तो गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा कॉस थीटा बराबर, साइन थीटा को वर्गमूल 2 से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा वर्गमूल 2 साइन थीटा, और धन साइन थीटा को 1 से गुणा करने पर साइन थीटा प्राप्त होगा बटा वर्गमूल 2 ऋण 1, और वर्गमूल 2 धन 1 में सरसमीका का प्रयोग करेंगे a ऋण b a धन b जो कि होता है a का वर्ग ऋण b का वर्ग, तो a का वर्ग वर्गमूल 2 का वर्ग जो होगा वो हो जाएगा 2 ऋण 1 का वर्ग हो जाएगा 1। या cos थीटा बराबर वर्गमूल 2 साइन थीटा धन साइन थीटा, और 2 ऋण 1 तो हमारे पास 1 आ जाएगा तो हम उसको छोड़ देंगे। इस तरह से अब हम साइन थीटा का पक्षांतर करेंगे तो कॉस थीटा ऋण साइन थीटा बराबर वर्गमूल 2 साइन थीटा, यह हमें सिद्ध करना था तो यही सिद्ध करना था। इस तरह से उदाहरण 6 का हमने हल किया।